साहब से मैंने ये शिकायत की थी जो शासन से 11,89,000 रूपये शौचालय मद में शौचालय का निर्माण संबंध में आया था, टूटा फूटा था पहले शौचालय, बदबू आती थी और सारे इसके पार्ट और इसकी सारी टोटियां खत्म हो गई थी और बदबू इतनी आती थी कि यहाँ काम करना एकदम मुश्किल होता था। और जब कार्य शुरू हुआ तो कार्य की गुणवत्ता एकदम बेकार थी। उस संबंध में हमने जो है मुख्य विकास अधिकारी को पत्रक दिया था कि महोदय इसकी आप जांच कराएं और इसकी गुणवत्ता को सही कराएं, अन्यथा की स्थिति में कर्मचारी जो है आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इसमें जो है लैट्रिन सीट ताली बदलवानी थी, मूत्रालय का जो सेट था उसको बदलवाना था, टाइल्स और टोटियां लगवानी थी और दरवाजे जो टूटे हुए थे दरवाजों का रिपेयरिंग कराना था, नया लगवाना था। ये सब दीवारों पे जो है पुट्टी के बाद पेंट कराना था, ये सब नहीं हुआ। हाँ, इस सब में कमियां हैं जिसके लिए मैंने पत्रक दिया था और CDO साहब ने मेरे ही पत्र पे एक कमेटी बनाई है जो जांच एक हफ्ते के अंदर करके उनको देगी। गुणवत्ता में अगर सुधार नहीं आएगा उनका भुगतान हम लोग नहीं होने देंगे। विकास भवन में शौचालयों के निर्माण और मरम्मत के लिए 11 लाख रुपए शासन द्वारा सैंक्शन किए गए थे जिसका RES डिपार्टमेंट को फंड ट्रांसफर किया गया था शौचालयों की रिपेयरिंग और छत की रिपेयरिंग के संबंध में। तो उसमें कुछ कर्मचारियों की कंप्लेंट आई है कि कुछ पुराना मटेरियल वो फिर से उसमें लगा दे रहे हैं, तो उसकी मैं जांच DDO साहब को दी है, उसकी जांच आ जाएगी तब उस पर कार्रवाई।